अभी मुष से दो दिन से चर्चा चल रही है उन्होंने उस आत्मा को परमात्मा बनाने के संबंध में जो आयाम अपने मन मस्तिष्क के माध्यम से बताया कुछ उसका दृश्यांकन देखने का मौसर मौका मिला वो कुछ ऐसी अनूठी अद्भुत रचना बन रही है अभी तो आपके महाराज के गर्व में है वो बात धीरे धीरे वह रूपांतरित हो रही है और जब वास्तव में वह प्रकटीकरण होकर के आपकी आँखों से देखने में आएगा तो ऐसा अद्भुत नजारा आपको देखने में मिलेगा जो न भूतो भविष्य तो इसलिए नहीं कह सकते कि बनाने वाला उनके दिमाग में और कोई चीज़ आ जाएगी तो कहेंगे इसको अलग करो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई नई चीज़ बनाएंगे मगर वास्तव में वह एक ऐसी अद्भुत अनूठी अनोख वस्तु बस, बन रही है जो अद्भुत है। शब्दों को कितना भी कहा जाए अभी तक तो हमने ऐसी कोई रचना के बारे में न देखा था न सुना था किंतु ऐसी गजब की चीज़ है किंतु उनकी सहजता है सरलता है कि उन्होंने कुछ बात रखी बताएं इसमें क्या हो सकता है कुछ बात उनके ध्यान में लाई उन्होंने बहुत सहजता के साथ उसको स्वीकार करके यही तो बड़ों का बड़प्पन है कि बड़े होकर के भी छोटों की बात को सुन करके वह अपनी बात को कैसे जिनेन्द्र प्रभु के उन दिव्य देशना का समावसरण की रचना कैसी अद्भुत बनवाई बन रही है जब आप उस नज़ारे को अपनी आँखों से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मंत्र मुग्ध हो करके आप एक टक से निहार करके भी आपको जैसा कि इंद्र है वह प्रभु की उस छवि को देखता है देखता तो अपनी दो आंखों से है किंतु उसका मन तृप्त नहीं होता है तो एक दई दो नहीं और बनते बनते एक हजार आठ नेत्रों से प्रभु के रूप को निखारने का प्रयास करता है ऐसा आपका भी मन करेगा कि एक बार मुड़ मुड़ करके भी देखना पड़े तो देख लें क्योंकि वह क्षण जो सामने देखने में आएगा वो कुछ अलौकिक होगा अद्वितीय होगा मन तो बहुत इसलिए मन कर रहा है कि जितना ज़्यादा दस से ज़्यादा महाराज का समय लेकर के उस रचना को देख सकें सुन सकें समझ सकें क्योंकि वह अपने आप में ऐसी ही अद्भुत है कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सबके सामने हम नहीं कह पा रहे हैं किंतु वास्तव में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि वह बहुत जल्दी ही रचना आपके सामने आने वाली है और उस दृश्य को निहार करके आपको ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा कैसा लगेगा कि मानो हम साक्षात अरहन प्रभु के समवसरण में जाकर के ही एक एक रचना से गुजर करके वो तक पहुंच रहे हैं ऐसा दृश्य आपको देखने में आएगा वो सब कुछ तो कुछ बात ऐसी है सब कुछ अभी बता देंगे तो फिर बाद में कहा तो हम महाराज पहले बता चुके थे इसलिए कुछ बात जैसे कुछ सैंपल आपको दिखा दिया है माल तो आपको बाद में देखने को मिलेगा आपकी वह जिज्ञासा जैसी अभी है इससे द्विगुणित होकर के आए किंतु वह आत्मा से परमात्मा बनाने का रास्ता तो आपको वहाँ देखने में मिलेगा करना क्या पड़ेगा करना वही होगा जो मन मुनिषी आपको उस भावना योग के माध्यम से सुना रहे हैं समझा रहे हैं वास्तव में वह भाव ना नहीं हो भाव को ऐसा जोड़ें कि वह आपका संभाव बन जाए और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें यही मंगल काम